वाद विवाद है जी, चिल्लाइए मत, दंगा फसाद नहीं है। मधुर भाषा है हिंदी, प्यार से बोलिए, समझ तो सबको आती है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर। कुछ सालों पहले तक भारत में गैंग रेप जैसे शब्द हमें पता नहीं थे, और आज हमें ये सब शब्द पता है। गुरुजी, आग बंद करने से समस्या हल नहीं होती, ये तो सिर्फ शतर्मुर्ख करते हैं। हम तो इंसान है, समझदार है, वक्त बदलेगा, हमें भी बदलना चाहिए। सोशल मीडिया नया है, इसे वक्त दीजिए। विश्व युद्ध में जब परमाणु बम गिराए गए थे, लोगों ने मान लिया था कि परमाणु शक्ति सिर्फ तबाही लाएगी, बट आज वही परमाणु शक्ति से घर घर में बिजली पैदा करके बल्ब जलाए जा रहे हैं, गांवों में रोशनी आ रही है। इसे भी वक्त दीजिए। सोशल मीडिया से लोगों को काम मिल रहा है आज। मुझे बताइए, एक आदमी जिसे सोशल मीडिया से काम मिलता है, ईमानदारी से काम कर रहा है, घर में दो रोटियां ला रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, क्या खराब है इसमें? हम कहते हैं इस देश में काम नहीं है, गरीबी है। जब काम आ रहा है उसे खुले दिल से अपनाइए, गरीबी अपने आप हट जाएगी। भारत में इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, निरक्षरता, लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। भारत का 70% गांव और खेड़ों में बसा हुआ है, पर यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, और जो टीचर्स है वो अपना पूरा दिल लगाकर पढ़ाते हैं पर काफ़ी नहीं है। इस छोटे गांवों में सोशल मीडिया जैसी चीज़ है। कुछ ही दिनों पहले नासा ने एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रखा था, जहाँ पे भारत के कर्नाटका और राज्य से एक सज्जन जीते। उन्होंने सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया, और जब पूछा गया उनसे, उन्होंने बताया कि इसकी सारी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से मिली। विदेश और देश के कई दूसरे स्कूलों के प्रोफेसरों से उन्होंने बात की और सीखा, और तभी जाके छोटे से गांव में आकर भी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है उन्होंने। एक समय था इस देश में जब युवा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बताया जाता था कि इन्हें कोई समझ नहीं है। आज सोशल मीडिया के द्वारा युवा लोकतंत्र का हिस्सा है, और इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी है, सुषमा स्वराज जी है, सुरेश प्रभु जी है, ये सोशल मीडिया से ही गवर्नेंस कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था नोम चॉम्स्की जी, उन्होंने 5 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा है कि कैसे आपको कोई बात पहुंचानी हो तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीच में मीडिया आ जाती है, लोग आ जाते हैं, कल्चर आ जाता है, तो आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, बट सोशल मीडिया से एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक सीधी सीधी बात पहुंचाई जाती है। कहा जाता है कि चतुराई एक इंसान का प्रतीक होता है, बट आधा ज्ञान से पूरे ज्ञान से आधा ज्ञान होना हानिकारक होता है। हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है, हमें इसके समझने की ज़रूरत है, इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और कई लोग कह रहे थे, पक्ष में कई लोग कह रहे थे कि जी बड़ी खराब चीज़ है, आप इसे कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से वापरने की। एक समय था भारत में जब सपने देखने के लिए लोग डरते थे। हमारे कलाम साहब थे, हमारे राष्ट्रपति, उन्हें रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन पहुंचने में सालों साल लग गए। आज वही साल हफ्तों में बदल रहे हैं, लोग गांवों से शहर जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह ताकत मिल रही है सोशल मीडिया से। बस खत्म करने के लिए यह कहना चाहूंगा, पूरी रात हमें सुबह का सवेरा था, अब सुबह हो गई तो गम यही है कि सवेरा क्यों हुआ। इतने सालों से हमें एक माध्यम चाहिए था जिससे हमारी आवाज हम दूर दूर तक पहुंचा सके, बट जब आज हमें वो माध्यम मिल चुका है, हम नाराज है कि हम इसे वापर नहीं पा रहे हैं। हर चीज आती है तो कठिनाइयों के साथ आती है, डर जाएंगे तो हम भारतवासी कहलाने के लायक नहीं है। डट के सामना करेंगे, दिल से इसका उपयोग करेंगे, तभी जाके हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हिंदू कॉलेज दिल्ली से कनिका, मैं हमारे